हम संबोधन के क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ श्री चित्रगुप्त पीठाधीश्वर, श्री चित्रगुप्त वृंदावन आचार्य महामंडलेश्वर, स्वामी सच्चिदानंद पशुपति अखाड़ा भारत से हैं। हम एक संक्षिप्त उद्बोधन के लिए उन्हें भी आमंत्रित करते हैं और फिर इस मंदिर के कलश की तरफ हम निरंतर बढ़ रहे हैं। पूज्य महाराज जी, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, मैं इस पावन मंच को प्रणाम करता हूं। सभी पूज्य संतों के इसी चरणों में नमन करता हूं और एक बार आप सभी के मन का एक जयकारा है, ग्राम गढ़ा के लाल की। आज पूरे विश्व में जितने सनातनी हैं, वो जिस बात की चिंता करते थे, वो चिंता एक स्थान पर आकर परम पूज्य गुरुदेव के हृदय में गई कि वास्तव में आज जो तीन विषय हैं, ये ऐसे तीन बिंदु हैं जिस पर चिंतन और चिंता का वास्तव में हर सनातनी को चिंतन करने की आवश्यकता थी। आज परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सभी संतों के सम्मुख, पूरे देश सनातनियों के सम्मुख ये तीन विषय रखे और सभी संतों को यहां पर आमंत्रित किया। जब आपकी हमने वीडियो देखी तो हमसे रुका नहीं गया कि वास्तव में जो हम अपने हृदय में पीड़ा लिए घूम रहे थे कि भारत के जितने पवित्र स्थान हैं, जितने दिव्य स्थान हैं, जितने हमारे शक्ति पीठ है, सभी की सब सरकार के अधीन है, सरकार का नियंत्रण है उन पर। आप देखिए, जब से परम पूज्य गुरुदेव ने इस पवित्र धाम से सनातन की ध्वजा को उठाया है, उस दिन से आज तक जितना भी यहां पर जो भी चढ़ावा आया, वो सब गरीब बच्चियों की शादी में लगाने कार्य कर रहे हैं, सनातन की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर देश के सभी मंदिरों का पैसा, जो वास्तव में आप सब उठाकर देख ले, चाहे वो माता वैष्णो दरबार हो और चाहे वो साउथ के मंदिर हो, सभी मंदिरों का पैसा कहां जाता है, किस प्रकार से उसको छिन्न भिन्न किया जाता है, वो सनातन के कार्य नहीं आता। आपने बड़ा अच्छा विषय उठाया कि वो मंदिर पे चढ़ने वाला चढ़ावा, हर पीठ पे आने वाला चढ़ावा, हर शक्ति पीठ पे आने वाला चढ़ावा, अगर उससे विद्यालय बनाए जाएं, अगर उससे बड़े बड़े अस्पताल बनाए जाएं, तो आज सबसे बड़ा अगर कोई अभाव है तो शिक्षा का और स्वास्थ्य का अभाव है। आपकी सोच इतनी बड़ी है कि आज पूरे देश का कोई भी संत इस बात को रुकने को तैयार नहीं है, आपके पीछे आकर खड़ा हो गया है। मैं श्री चित्रगुप्त पीठ वृंदावन से यहां पर आया हूं। भगवान श्री चित्रगुप्त जी धर्मराज हैं, दंड के देवता हैं। कहने को तो सब कुछ राजू जी महाराज ने कह दिया, हम लोग कहने कुछ बचा ही नहीं है। आपके शब्द ऐसे रहे हैं कि वास्तव में जब जब भी आपको सुना है, जब दाऊद की कार जलाकर हम चकवाणी जी के साथ आपके पास पहुंचे थे, तब भी आपके ही स्थान पर हमने मीटिंग करी थी। दीदी माँ यहाँ पर विराजमान है। ये राम मंदिर जो मिला है, इसकी लड़ाई दीदी माँ बताएंगे किस प्रकार से दीदी माँ ने लड़ी थी। कितने लोग इस देश की आजादी में, 8 लाख लोगों ने अपनी जान की आहुति लगाई थी तब ये देश आजाद हुआ था। ये राम मंदिर के लिए कितने श्रद्धालुओं ने, कितने युवाओं ने अपने जान की आहुति दी थी, आज दीदी माँ जानती हैं कि माता माँ ने किस प्रकार से संघर्ष को लड़ा था और इस संघर्ष के बाद में आज राम मंदिर मिला है। और आपने जो एक मुहिम शुरू करी है, आज जो आपका संकल्प है, हम आपके इस मंच से संकल्प लेके जाते हैं कि जहां भी जाएंगे, जिस मंच पे भी जाएंगे, जिस स्थान पे भी जाएंगे, आज के बाद आपके संकल्प को वहां पे दोहराया जाएगा। नित्य प्रतिदिन आपके संकल्प को पूरे करने का हर सनातनी का संकल्प होगा। आपके इन संकल्पों पे बरेली के एक मंदिर में 250 वर्ष पुराना मंदिर, वहां का मौलाना उस पर कब्जा कर रहा था। अभी मैं पिछले हफ्ते आईजी के ऑफिस के बाहर जाकर बैठ गया धरना देकर, ये मंदिर पर कब्जा नहीं होने दूंगा। आप सबका साथ चाहिए होगा, आज सारे संत आपके साथ खड़े हुए, सनातन की रक्षा के लिए जो ध्वजा आपने उठाई है, सनातन की काम के लिए जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, इस हिंदू राष्ट्र के लिए जिस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं, आपने जिस प्रकार से इस ध्वजा को लेकर आगे चलने कार्य किया है,
इसकी सराहना तो छोड़िए, इसके लिए हम आपके कितने बड़े ऋणी हो चुके हैं, इसके हम पे शब्द नहीं बचे। आज यहां पर भारत के सभी वो महान विभूतियां विराजमान हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं सनातन के लिए संघर्ष किया, राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, और अब काशी और मथुरा की बारी है। हम भी मथुरा से वृंदावन से पधारे हुए हैं और यही चाहते हैं कि आप के संकल्प में हम सब साथ हैं, और प्रभु से यही आप आराधना करते हैं कि हे प्रभु, शीघ्र ही काशी और मथुरा का भी सब कुछ बदल जाए, और वहां पर जो जब निकलते हैं मंदिर के बराबर में, वहां जो गुम्बद दिखता है वो वास्तव में बर्दाश्त नहीं होता, वो देखने योग्य नहीं है। एक तरफ मंदिर पे हमारी ध्वजा लहरा रही है और बिल्कुल सटा हुआ वहां पर मस्जिद, जो वास्तव में आप सब जानते हैं, सनातनी को मालूम है। आज मैं इस मन से पूरे राष्ट्र, पूरे देश और जहां जहां भी सनातनी रहता है उससे अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग पूज्य महाराज जी के साथ दें और इस संकल्प में साथ चलते रहें। महाराज जी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आज गला खराब है, और आपके प्रभु के चरणों में दो एक भजन प्रस्तुत करने आया था, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मेरे भजन सम्राट आए, अगर आपकी आज्ञा हो तो सिर्फ दो लाइन मेरे भजन सम्राट सुनाकर मैं अपनी वाणी को मिला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।